इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वराज के 717 मिनी ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर है एक 15 हॉर्स पावर का मिनी ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एक छोटा सा मिनी ट्रैक्टर चाहिए जो कि कम बजट में आपको मिल जाए, परफॉर्मेंस काफी अच्छी दे, एवरेज काफी बढ़िया दे, तो मेरे हिसाब से ये मिनी ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहेगी। ये मिनी ट्रैक्टर जो काफी सस्ता है, काफी अच्छा है, काम भी काफी अच्छा निकालता है। अगर आप विनयार्ड के काम के हिसाब से, ऑर्चर्ड के काम के हिसाब से, बागवानी के काम के हिसाब से अगर आप एक मिनी ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं, अगर आपका बजट कम है, आपको एक छोटा मिनी ट्रैक्टर चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। स्वराज का ये मिनी ट्रैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद है। कई सारे किसान भाई इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं और उनके हिसाब से ट्रैक्टर जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर है आपको केवल टू व्हील ड्राइव वेरियंट के साथ मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको फोर व्हील ड्राइव वेरियंट नहीं मिलता है। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में रहती है। कीमत जो इस ट्रैक्टर की कम ज़्यादा हो सकती है, तो आप इस कीमत को एकदम एक्यूरेट मान के मत रख लीजिएगा। दरअसल ट्रैक्टरों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस चार्जेस वगैरह होते हैं, तो इस वजह से भी जो कीमत है वो वेरी कर सकती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये ट्रैक्टर 15 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 11.18 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। केवल एक सिलेंडर जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 863.5 सीसी के पावर जनरेट करता है। आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 2300 आरपीएम जनरेट करता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 स्टेज ऑयल बार टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो एक 15 हॉर्स पावर के मिनी ट्रैक्टर के सबसे काफी बढ़िया इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के क्लच के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल सिंगल क्लच मिलेगी। अगर हम इस ट्रैक्टर क्लच के डायमीटर की बात करें, तो इस ट्रैक्टर में आपको 199.8 mm वाला क्लच देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको स्लाइडिंग मैश वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इस ट्रैक्टर की जो गियर की शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। एक 15 हॉर्स पावर के मिनी ट्रैक्टर के सबसे काफ़ी बढ़िया गियर जो इस ट्रैक्टर में दिए गए हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 25.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। तो काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। रिवर्स स्पीड इस ट्रैक्टर की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिनी ट्रैक्टर के सबसे ठीक है। चलिए हम बात करें इस ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करें इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो वो है तकरीबन 780 किलोग्राम। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट में आपको ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाला सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। एक 15 हॉर्स पावर के छोटे मिनी ट्रैक्टर के सबसे काफ़ी बड़ी लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करें इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को मिलता है। इस ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। चलिए बात करें इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 23 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और एवरेज जो इस ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है। चलिए बात करें इस ट्रैक्टर पीटू के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटू के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्लिन शाफ्ट वाला पीटू टाइप देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटू के आरपीएम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर जो पीटू तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है, जब इंजन रेटेड आरपीएम जो है 2053 हो। चलिए बात करें इस ट्रैक्टर पीटू के हॉर्स पावर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर जो पीटू तकरीबन 9 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। तो छोटे साइज के पीटू से चलने वाले इंप्लीमेंट जो आप इस ट्रैक्टर की मदद से काफी आसान से यूज कर सकते हैं। आप इस ट्रैक्टर की पीटू की मदद से काफ कटर, छोटे साइज के रोटावेटर, स्प्रिंग मशीन जैसे कई सारे छोटे इंप्लीमेंट जो है काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये ट्रैक्टर खासतौर पर पीटू के हिसाब से नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी पीटू पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 5.20x14 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पिछले टायर के साइज के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8x18 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है। एक छोटे मिनी ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बड़े टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रैक्टर डायमेंशन वेट के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर टोटल वजन के बारे में, तो वो तकरीबन 840 किलोग्राम। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2435 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1210 mm। हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 840 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1490 mm। ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 260 mm। इंच में जो जानकारी मैंने आपको साइड में दे रखी है, तो आप वो भी रीड कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल साइज देखें, इस ट्रैक्टर का काफी कॉम्पैक्ट साइज इस ट्रैक्टर का दिया गया है। आप इस ट्रैक्टर जो साइलेंसर है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैक्टर वारंटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको केवल 1 साल की वारंटी मिलती है, जो कि ठीक है।
कई सारी अदर कंपनी जो कि 5-5, 6-6 साल की वारंटी दे रही है, वो केवल एक मार्केटिंग टेक्निक है। आपको जहाँ से बताइएगा, 1 साल की वारंटी भी जो है सफिशियंट है। आप नॉर्मल पार्ट्स वगैरह की अगर टूट फूट होगी तो कंपनी उसको रिप्लेस करके देगी, और नॉर्मल सर्विस वगैरह जो आप 1 साल तक करवा सकते हैं। फिलहाल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, इस ट्रैक्टर में ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो ज़्यादा कुछ खास आएगा। तो किसान भाई, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से किसान भाई, अगर आपका बजट कम है, अगर आपको एक छोटा मिनी ट्रैक्टर चाहिए, अगर आपको ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा खेती है, अगर आपको ज़्यादा काम निकालना है, तो मेरे हिसाब से आपको बड़ा ट्रैक्टर लेना चाहिए। फिलहाल आप ये मत सोचिएगा ये मिनी ट्रैक्टर जो 15 हॉर्स पावर का है तो उतना ज़्यादा काम नहीं निकाल पाएगा। ये ट्रैक्टर जो है आपको उम्मीद से ज़्यादा काम करके देगा। ट्रैक्टर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देता है, एवरेज काफ़ी बढ़िया देता है, लो मेंटेनेंस है, और स्वराज की जो मिनी ट्रैक्टर है उनकी रीसेल भी काफ़ी बढ़िया है, पार्ट्स वगैरह भी काफ़ी आसानी से अवेलेबल रहते हैं, और कंपनी की जो सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। तो फिलहाल किसान भाई, ये थी जानकारी स्वराज के 717 मिनी ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत